हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए रूरल सोशियोलॉजी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्तों, समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जगह ऑगस्ट कामटे। दोस्तों, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे ऑगस्ट कामटे जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्र शब्द किसने गढ़ा? तो ऑगस्ट कामटे ने गढ़ा है समाज शास्त्र शब्द को भी, ऑगस्ट कामटे ने ही गढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्या का मूल स्थान कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका सोशियोलॉजी का मूल स्थान है, सोशियोलॉजी विद्या का मूल स्थान है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? तो दोस्तों, ये सब लोग जानते होंगे कि ग्रामीण समाज का प्रमुख व्यवसाय कृषि है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम समाज की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से? समुदाय का एक छोटा आकार है, जनसंख्या की एक रूपता, कृषि प्रमुख व्यवसाय है, औपचारिक शिक्षा का स्तर ऊंचा है। तो दोस्तों, ग्राम समाज की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा का स्तर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृविज्ञान है, नृविज्ञान क्या है? तो दोस्तों, मानव व्यवहार विकास का अध्ययन है। नृविज्ञान मानव और विकास का अध्ययन है, मानव व्यवहार और विकास का अध्ययन को दोस्तों नृविज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसांख्यिकी प्रक्रिया का एक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया घरेलू निर्णय लेने का मॉडल, ऑप्शन नंबर बी दिया सामुदायिक वातावरण। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए व बी दोनों, घरेलू निर्णय लेने का मॉडल भी है और सामुदायिक वातावरण भी है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? दोस्तों, कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर दो, दोस्तों उसका उत्तर नहीं मिला। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक समूह बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, एक समूह बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? दो लोगों की। दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो समूह बन जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं। कौन सा सही है? व्यक्तियों का संग्रह से एकत्रीकरण, एक दूसरे की भौतिक निकटता में व्यक्तियों के संग्रह, सामाजिक समूह बिना किसी पारस्परिक भूमिका के व्यक्तियों का संग्रह, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका बी सही हो जाएगा, एक दूसरे की भौतिक निकटता में व्यक्तियों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान संगठन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो सरकार से समर्थन प्राप्त करने का। किसान संगठन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सरकार से समर्थन प्राप्त करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन नेतृत्व का तत्व नहीं है? तो दोस्तों, उत्पादन, उत्पादन नेतृत्व का तत्व नहीं है। एक पारंपरिक नेता कौन है? तो दोस्तों, एक पारंपरिक नेता कौन है? इसका उत्तर दोस्तों सभी पेज का एक एक क्वेश्चन कट गया है, मैं उसका आप लोगों को बाद में करवा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अहस्तक्षेप करने वाला नेता कौन है? तो जो खुद निर्णय लेता हो, ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कम सलाह देता है। तो दोस्तों, अहस्तक्षेप करने वाला नेता कौन है? जो कम सलाह देता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन नेता की भूमिका नहीं है? समूह सलाहकार, नीति निर्माता के रूप में, एक विशेषज्ञ, इसमें तो कोई नहीं है नेता की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व के महापुरुष सिद्धांत का संशोधन कौन सा है? तो व्यक्तित्व का सिद्धांत है दोस्तों, तो 19वां का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, व्यक्तित्व का सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? निरंकुश, लोकतांत्रिक, लाइसेंस, मेला, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, नेतृत्व का कोई प्रकार नहीं है इसमें से। अगला देखते हैं। मनोविज्ञान क्या है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन, पशु व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों, ए व बी दोनों प्रकार का अध्ययन दोस्तों मनोविज्ञान। अगला देखते हैं 22वां क्वेश्चन।
बेहतर सीखने के लिए बुनियादी मानदंड क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संचार। बेहतर सीखने के लिए बुनियादी मानदंड है संचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा के संबंध में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए दिया है, आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण, यही ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे, यदि यम ए बराबर मानसिक आयु, सी ए बराबर कालानुक्रमिक आयु, फिर इंटेलिजेंस कोशिएंट का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या रहेगा 25वां का? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, आप लोग इसको देख के बताइएगा 25वें क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का इंटेलिजेंस कोशिएंट स्तर क्या होता है? तो दोस्तों 90 से 109, एक सामान्य व्यक्ति का इंटेलिजेंस कोशिएंट 90 से 109 होता है। अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल किस प्रकार का परीक्षण है? तो व्यक्तिगत परीक्षण है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत परीक्षण। अगला देखते हैं 28वां क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का घटक कौन सा है? तो इसका भी ये आंसर कट गया होगा, देखते हैं दोस्तों इसका भी आंसर कट गया है। जो जो आंसर छूट रहा है मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न 29वां, प्रारंभिक दत्तक ग्रहण करने वालों का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 13.5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12.5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 11.5, ऑप्शन नंबर डी दिया 10.5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 13.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार माध्यम में टर्मिनल का तत्व कौन सा है? तो संदेश या सामग्री, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, संदेश या सामग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्तों ये थे कुल आपके 30 क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये थे कुल आपके 30 क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व करा दिए दोस्तों। इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।